हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन से मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो मेडिसिन सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे एंड स्टडी करेंगे रिगार्डिंग मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन तो टाइटल स्लाइड जो है हमारी उसके अंदर हम देख सकते कि अलग अलग लेग्जाटिस् यहाँ पे लिखा है लेग्जाटिस्बर्स फिर, फिर चूरण यूज़ होते हैं एज़ वेल एज टैबलेट के अंदर भी अलग अलग अलग, -अलग डोजेस फॉर्म अवेलेबल है कि जितने भी हमारे अलग अलग डोजेस फॉर्म है कि लाइक like टैबलेट होती है तो टैबलेट में फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं प्लस पाउडर फॉर्म तो पाउडर फॉर्म हो जाएगा आपका ये चूरण फिर कैप्सूल भी अवेलेबल होती है कि जो फाइबर की कैप्सूल यहाँ पे है कोटेड uh, टैबलेट से एंड ये है आपका सीरप फॉम उसका सीरप या फिर सस्पेंस जो हम कहते हैं स्पेशली शॉर्ट में कहे तो लिक्विड डोजेस फॉर्म ये लिक्विड डोजेस फॉर्म फिर ये कैप्सूल फिर ये चूरण की जो एक टाइप का पाउडर कहा जाता है एंड टैबलेट्स तो सभी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं पेशेंट के लिए टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन तो शुरू करते हैं लेक्चर के अंदर बी अपडेटेड विथ फार्मर नॉलेज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है सो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज़ वेल एज एपल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर तो मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एज वेल एज़ जो हमारे लेक्चर्स के पी पी टीज एंड पी डी वगैरह होते हैं वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर यही जो लेक्चर है उसका प्रेजेंटेशन आपको ऐप आप ऊपर मिल जाएगा एज वेल एज़ स्टडी मटेरियल की जो प्रिंटेड में है वो भी आप ऑर्डर कर पाओगे टेस्ट सीरीज फॉर जीपैड फार्मासिस्ट नाइपर डी आई ऑल्सो द वीडियो लेक्चर्स ऑल दिस फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन द सिंगल फार्मा फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एपल आईफोन फोन एप ऑन स्टोर तो कॉन्स्टिपेशन की जो हमें मेडिसिन सीखनी है कॉन्स्टिपेशन की हिंदी में उसको कब्जियात भी कहा जाता है कि जो कब्जियात हो जाता है किसी को तो कब्ज़ कहते हैं हम उसको कि हिंदी में स्पेशली कब्ज़ कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन कब्जियात ऐसे बहुत सारे उसके अलग अलग नाम है तो कॉन्स्टिपेशन में यूजली जो होता है कि जो स्टूल काफ़ी हार्ड हो जाता है पेशेंट का और काफ़ी डिफिकल्टी होती है उसको पास होने में तो ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि आप ऐसे मेडिसिन पेशेंट को दें कि जिससे उसका ये जो स्टूल है वो हो जाए काफ़ी सॉफ्ट तो ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए कि स्टूल सॉफ्ट और इजीली आपके इंटेस्टाइन मतलब कि जो बाउल है उसमें से पास हो जाए एंड इजीली बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन होने का जो रीज़न होता है कि जब स्टूल काफ़ी हार्ड हो जाता है मतलब कि नॉर्मल जो स्टूल होता है नॉर्मल स्टूल तो नॉर्मल स्टूल के अंदर वाटर भी प्रॉपर होता है प्लस थोड़ी सी ऑयलीनेस रहती है एंड जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट होता है कि जो इजीली जो है वो हमारे बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाता है बट जब कॉन्स्टिपेशन होता है किसी पेशेंट को तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन के अंदर जो वाटर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है प्लस लेस ऑयली हो जाता है एंड ये दो चीज़ डिक्रीज होने के कारण जो स्टूल होगा वो बन जाएगा हार्ड तो जब कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट की जाती है कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट तो उस वक्त ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि पेशेंट का जो स्टूल है वो हार्ड में से हम कर सके सॉफ्ट जो लेस थो ऑयली था तो थोड़ा सा ऑयलीनेस आ जाए एंड वाटर जो रिड्यूस था तो प्रॉपर वाटर वो स्टूल के अंदर मेंटेन हो जाए कि जिसके कारण इजीली वो बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाए तो जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कंडीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल फील होता है एंड जब आपके डाइट के अंदर फाइबर कंटेनिंग फूड बहुत ही कम हो उस वक्त कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं सो कॉल द डॉक्टर इफ़ यू हैव ए सीवियर प्लेन ब्लड इन स्टूल और कॉन्स्टिपेशन लोंगर देन थ्री वीक्स तो ये एडवाइस है कि जब आपका कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल हो तब तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जब ये कॉन्स्टिपेशन थ्री वीक्स से ज़्यादा तक चलता है इवन आप नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की फिर भी ये क्योर नहीं हो रहा है पेन हो रहा है सीवियर ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर तो जरूर से आपको फर्दर डिटेल डायग्नोसिस करवा लेने चाहिए कि समझो कि कोई लोअर जी आई ट्रैक रिलेटेड कोई डिसीज हो कि शायद इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज हुआ हो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर कोई अल्सर वगैरह फॉर्म हुआ हो तो वो जो है वो अच्छे से क्योर हो जाए आपका तो ये एक सिंपल से एडवाइज़ है बट जब नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो उसको कैसे क्योर किया जाता है वो अब सीखते हैं तो मेडिसिन की जो यूज़ होती है बेसिक यूज़ की कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट जो कहा जाता है कि जिसके अंदर बल्क फॉर्मिंग लैग्जाटि ड्रग कि जिसके अंदर डाइटरी फाइबर्स ये फाइबर का होना ज़रूरी कि जब आपके फूड के अंदर फाइबर कम होता है तो उसके कारण प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता और डाइजेशन नहीं होता तो जो स्टूल भी जो है वो काफ़ी हार्ड फॉर्म होता है तो जब आपका डाइट के अंदर समझो कि यह फाइबर्स नहीं है तो जो हेल्थ केयर एडवाइज़र्स होते हैं वो आपको फाइबर कंटेनिंग कैप्सूल है या फिर उसके रिलेटेड कोई टैबलेट डोजेस फॉर्म है उसके रिलेटेड कोई चूरन है वगैरह आपको प्रीफर करते कि देहाँ पे लिखा है साइलियम के फाइबर्स प्लांट गो ओवाटा साइलियम हस्क, बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डाइटरी फाइबर्स माइल्ड एग्जॉटिव डायटरी सप्लीमेंट तो ये जो थे कि समझो कि ये कैप्सूल है पाउडर डोजेस फॉर्म है तो कैप्सूल भी लिए जाती है फाइबर्स के या फिर इस टाइप के कोई समझो कि आपको डायरेक्टली पाउडर डोजेस फॉर्म टाइप में भी दिया हो तो भी आप ले सकते हैं तो बेसिकली ये दोनों कंटेन करते हैं फाइबर तो फाइबर जो है वो डाइजेशन अच्छा करते हैं एंड आगे जाके स्टूल जो है वो इजीली आपके बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाता है तो डायट्री फाइबर्स उसके बाद ब्रान उसके अंदर काफ़ी फेमस है साइलियम की जिसको कहा जाता है प्लांटगो प्लांटगो ओवाटा उसका बायोलॉजिकल सोर्स है फिर इसब गुल एंड मिथाइल सेल्यूलोस तो मिथाइल सेलुलस भी फाइबर है एक टाइप के कि जो सेल्यूलोस हम कहते हैं तो सेल्यूलोस फाइबर है इसब गुल वो भी काफ़ी फेमस है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए कि जो बल्क फार्मिंग लेग्जाटिव का काम करती है कि लेग्जाटि लेग्जाटि मतलब कि ऐसी मेडिसिन की जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और वो कही जाती है एक टाइप की ल्यूमिनली एक्टिव एजेंट किन के साइड इफेक्ट्स भी कम होती है सिर्फ वो उनका जो इफेक्ट होता है वो होता है डायरेक्टली डाइजेशन ऊपर अफेक्ट करते हैं कि आपका डाइजेशन जब इम्प्रॉपर हो जाता है कि जब आपके फूड के अंदर फाइबर कंटेनिंग फूड बहुत ही कम है तो उस वक्त डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता तो डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए कि जब आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो डाइजेशन नॉर्मल करवाने के लिए जरूरी है ये फाइबर्स और ये फाइबर सप्लीमेंट्स जब आप लेना स्टार्ट करते हैं डाइजेशन अच्छा हो जाता है एंड जब डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो जो स्टूल है वो भी इजीली जो है वो आपके बॉडी में से पास हो जाता है बिकॉज जो डाइजेशन अच्छा होता है तो स्टूल भी कैसा होता है सॉफ्ट तो ये है रिगार्डिंग द ल्यूमिन एक्टिव एजेंट बल्क फॉर्मिंग लेगजिवस उसके बाद है सरफेक्टेंट्स कि जो स्टूल सॉफ्टनर कि आगे ही मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था कि जब पेशेंट का स्टूल हार्ड हो जाता है तो हमारा टारगेट रहता है किसी भी तरह से स्टूल को सॉफ्ट करना तो हार्ड में से स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए ये स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिंस डॉक्यूसेट बहुत ही फेमस है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हंड्रेड सॉफ्ट जेल्स मतलब कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो हम कैप्सूल पर हम स्टडी करते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो उसमें से डॉक्यूसेट सोडियम की स्टूल सॉफ्ट कि फॉर ए यूज एज ए स्टूल सॉफ्टनर इन ट्रीटिंग एंड एवॉडिंग कॉन्स्टिपेशन तो 100 एम का ये रहता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और यह डॉक्यूसेट बहुत ही फेमस है ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का फॉर्मूलेशन कि जो यूज होता है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन तो डॉक्यूसेट इज़ कॉमनली यूज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओ और ओवर द काउंटर सोल्स टूल सॉप्टनर तो ये है ओ ड्रग ओवर द काउंटर आपको मिल जाता है प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है एंड यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन की वन टैबलेट इनफ रहता है खास सॉरी वन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इनफ रहता है पेशेंट के लिए एक्सेसिव डोज लेने की ज़रूरत नहीं रहती शुरुआत में सिर्फ माइल्ड डोज से ही स्टार्ट कर दे कि वन uh, फिर समझो कि वन से क्योर नहीं होता तो टू टाइम्स ले सकते हैं बट एक्सेसिव लेने से भी फिर आपके जो बाउल है इंटेस्टाइन है उस पर फिर अफेक्ट होगा तो जरूरी है कि हम लिमिट में ही यूज़ करें उसको डॉक्ट इज एन एन आयोनिक सर्फेक्टेंट डॉक्यूसेट जो है एक टाइप का सर्फेक्टेंट है और वो है एन आयोनिक सर्फेक्टेंट उसका काम क्या है कि दैट हेल्प्स लोअर द सर्फेस टेंशन एट द ऑयल वाटर इंटरफेस ऑफ द स्टूल एंड थर्स ऑफ वाटर एंड लिपिड और फैट्स टू एंटर इन टू द स्टूल तो ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा कि जब मैंने आपको अभी जो आइडिया दी थी कि जब कोई भी स्टूल है वो हार्ड कब होता है तो उसके अंदर तीन चीज डिक्रीज हो जाए तो हार्ड होने के लिए वाटर रिड्यूस होना फिर ऑयल रिड्यूस होना और जब वाटर एंड ऑयल दोनों रिड्यूस हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है हार्ड तो ये डॉक्यूसेट का काम यही है कि डॉक्यूसेट एक सर्फेक्टेंट है कि जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है कि जो ऑयल एंड वाटर जो इंटरफेस होती है स्टूल की वहाँ पे जिसके कारण जब ये सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है तो जिसके कारण जो वाटर है वो स्टूल के अंदर जाएगा तो जिसके कारण वाटर इंटेक जो है वो स्टूल के अंदर फिर से इंक्रीज होगा एंड ऑयल भी इंक्रीज होगा तो उसके कारण स्टूल जो हार्ड था उसके बजाय बन जाएगा सॉफ्ट कि जो लिपिड और फैट एक टाइप के क्या है ऑयल ही है तो जब ऑयल उसके अंदर ऐड होंगे तो जो पेशेंट है उसको काफ़ी रिलीफ होती है जब उसका स्टूल हो जाता है सॉफ्ट और इजीली वो बॉडी में से एक्सपेल आउट कि रेक्टम के थ्रू फिर इजीली रेक्टम एनस के थ्रू इज़ीली जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा आ, उसके अलावा भी हम जानते हैं कि कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ के अंदर कैस्टर ऑयल दिया जाता है पेशेंट को कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये भी काम करता है एज अ स्टूल सॉफ्टनर और ऑयल एज वेल एज लिक्विड फेराफिन जो है उनके इमल्सन भी होते हैं अवेलेबल इन दोनों के इमल्सन कि लिक्विड पैराफिन इमल्सन या फिर ऑयल इमल्सन की जो यूज़ होते हैं एज अ लेग्जाटिव एंड वी यूज दैम इन अ ट्रीटमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिपेशन के कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हम हाँ उनको यूज करते हैं तो यह है ऑयल इवन कई बार डायरेक्टली भी कैस्टर ऑयल समझो कि किसी को पसंद हो तो डायरेक्टली भी वन स्पून जितना ले सकते हैं या फिर आप किसी खाने के अंदर मिक्सअप करके कैस्टर ऑयल दे तो भी उससे फायदा होता है आगे है परगेटिव ऑस्मोटिक परगेटिव या फिर उनको सलाइन लेग्जेटिव कहा जाता है सलाइन वर्ड तब आता है कि जब वो आप लिक्विड डोजेस फॉर्म में हो लिक्विड डोजेस फॉर्म तो उसके अंदर जो इप्सम सॉल्ट की जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट MgSO4 फोर इंटू सेवन एच टू ओ की जो बनता है इप्सम सॉल्ट इप्सम सॉल्ट का जो फॉर्मूला वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इप्सम सॉल्ट तो जो सलाइन लेटिव है कि रिलीफ फ्रॉम ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन तो उसके अलावा ये जो दूसरा है लैक्टुलोस वो भी काफ़ी फेमस है कि नॉन डाइजेस्टिबल सुगर एंड अल्कोहल जिसके अंदर लैक्टुलोस है सॉर्बिटॉल मोनीटॉल एंड पॉली इथिलीन ग्लाइकोल पी ई जी तो ये काफ़ी पॉपुलर डोजेस फॉर्म है कि जो यूज़ किया जाता है एज अ सिरप सस्पेंजन एज अ सलाइन लेगटि एज वेल एज नॉन डाइजेस्टिबल सुगर एंड अल्कोहल्स से कि जो पेशेंट को दे जाते हैं टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन उसके बाद यह काफी फेमस है स्टिम्यूलेंट परगेटिव कि जो आपकी बाउल मूवमेंट को अच्छे से स्टिम्यूलेट कर देती है जिसके अंदर मिथेन्स, उसके बाद बीसाकोडिल है उसके अंदर सोडियम पिकोसल्फेट एंड फिनोल्थेलिन तो उसके अंदर ये जो बीसा कोडिल है यूएस वी फाइव एम जी टैबलेट्स की जो स्टिम्यूलेंट लेग्जाटिव का काम करती है डुल्कोलेक्स उसका ब्रांड नेम है काफ़ी फेमस है ओवरनाइट रिलीफ यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीफ इन सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स मतलब कि रात को सोते वक्त आप ये ले लेते हैं तो मॉर्निंग में आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इजीली आपका स्टूल जो है वो पास हो जाता है तो जेंटल डिपेंडेबल एंड कॉन्स्टिपेशन रिलीफ और कंफर्ट कोटेड टेबलेट्स रहती है ये कि प्रॉपर कोटिंग क्या होता है उसके ऊपर और बिसा कोडिल काफ़ी फेमस है बहुत ही पॉपुलर है ये टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन तो ये कहे जाते हैं स्टिम्युलेंट परगेटिव और ये भी आपको याद रखनी है स्टोडियम पीकोसल्फेट एंड फिन उसके बाद है स्टिमुलेंट uh, परगेटिव में और की जो पाउडर डोजेस फॉर्म है कि जिसके अंदर एंथ्राक्विन के लाइक सेना है कैस्केरा एंड जलाप कि जो एक कैथारटिक्स का काम करता है तो एंथ्रैक्विन डेरिवेटिव जो ड्रग है उसके अंदर कैस्केरा सैगार्डा काफी फेमस है फिर सेना, फिर ये कायम चूरण भी काफ़ी फेमस की जिसमें भी सब हर्बल मेडिसिन है कि जो स्पेशली हम एंथ्राक्विनोस कहते कि लाइक सेना है कैस्करा, जलाफ वग़ैरह कि जो नेचुरल हर्बल ड्रग्स है कि जो यूज़ होती है टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए कॉन्स्टिपेशन फिर ये है एक सेना नेचुरल रिलीफ ऑल नेचुरल वेजिटेबल लेग्जाटि और उसकी ये बनाई हुई है टैबलेट ये है कैप्सूल और ये चूरण तो ये सभी डोजेस फॉर्म उसके अवेलेबल होते हैं हर्बल में भी कि हर्बल के भी कैप्सूल भी बनाई जाती है उसका चूरण मतलब कि एक टाइप का पाउडर डोजेस फॉर्म कोर्स पाउडर जैसा एंड यहाँ पे उसकी टैबलेट बनाई हुई है तो सभी टाइप के जो डोजेस फॉर्म उसके अवेलेबल होते हैं इन स्टिम्युलेट मगेटिव की जो ये खासकर है हर्बल दिस ऑल आर द ऑप्शन ऑफ ए हर्बल की जो हर्ब्स है स्पेशली हमारे आयुर्वेदिक के अंदर जो हम सीखते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर सीखते हैं ये हर्ब्स के थ्रू भी ट्रीटमेंट हो जाती है उसके बाद है प्रोकाइनेटिक्स कि प्रोकाइनेटिक्स के अंदर फाइव एच टी फोर हैगोनिस्ट कि जिसके अंदर प्रोकेलोप्राइडेन एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोकेलोप्राइड टैबलेट्स प्रोकेलोप्राइड टैबलेट्स एंड टेगा फिर टू एंटागोनिस्ट के अंदर टू एंटागोनिस्ट के अंदर है मेटाक्लोप्रामाइड और मैक्रोलाइट्स के अंदर है इरिथ्रोमाइसिन की ये एंटीबायोटिक है ये अब कही जाती है हायर मेडिसिन दिस ऑल आर हायर मेडिसिन कि समझो कि आगे प्रीवियसली हमने जितना भी देखा ये लेक्चर के अंदर कि ये हमारा लेक्चर प्रीवियस वाली मेडिसिन जो है वो नॉर्मल ग्रेड की मेडिसिन अब जो आगे जाएंगे हम वो हायर ग्रेड के कि जब काफी सीवियर होता है तो भी ये सब प्रीफर करनी चाहिए बाकी जो ये जो है उससे प्रीवियस वाले जितने भी मेडिसिन से वो नॉर्मली क्योर कर देती है कॉन्स्टिपेशन को बट वो मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये सब ट्राई करने पड़ते हैं तो क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स होते हैं कि जिसके अंदर क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स दैट इज लोकली एक्टिंग एजेंट दैट एक्टिवेट्स द क्लोराइड चैनल इन द इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूड दैट हेल्प इन पासिंग ऑफ स्टूल एज वेल एज दे मेक द स्टूल सॉफ्ट यह क्या करेगा स्टूल को काफी सॉफ्ट करने में हेल्प करेगी क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स जिनको कहा जाता है कि ये ऐसे एजेंट्स है कि एक्टिवेट्स करते हैं क्लोराइड चैनल्स हमारी बॉडी के अंदर वो भी इंटेस्टाइन के अंदर एंड इंक्रीज करते हैं सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूड और जब ये इंटेस्टाइनल फ्लूड एक ऐसा लिक्विड है कि जिसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट होता है प्लस वाटर भी होता है और ये दोनों जब हार्ड स्टूल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं तो वो स्टूल ऑटोमेटिकली हो जाता है ये सॉफ्ट तो इट इज यूज टू ट्रीट द्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एसपेसली इन पेशेंट हुटर और नो बेनिफिशल फ्रॉम स्टूल सॉफ्ट और लेग्जाट की जो हमने अभी बात की कि आगे की जित जो कोई मेडिसिन आपको बेनिफिट नहीं दे रही है तभी आपको ये ये मेडिसिन ट्राई करनी है कि लाइक like, उसके अंदर एग्जाम है क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स के की आ, लुबी है एन लीनाक्लोटाइड यह है लीनाक्लोटाइड के कैप्सूल एंड लुबी प्रोस्टोन के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो ये दोनों दो क्लोराइड सिक्रेटरी एजेंट्स के एग्जाम्पल है उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास ओपियोड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का जिसके अंदर डॉम पेरिडोन की है ये टैबलेट्स मिथाइल नाल्ट्रेक्न का ऑप्शन रहता है एन एल्विमोपेन। तो यह एल्विमोपेन की फिर मिथाइल नाल्ट्रेक्सॉन ब्रोमाइड एंड डॉम तो ये है ओपियोड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो ये थी मेडिसिन uh, की जो हम यूज करते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन तो मैसेज टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स डाउनलोड दमरस एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले फॉर Study material, test series, and video lecture. If a iPhone app is also launched, so download this app from App Store as well as Google Play Store. Get the links in description box and access the study material, test series, and the video lecture. So good luck and all the best.